क्योंकि मम्मा का भी लहूलुहान कर रखा था उन लोगों ने, और सिस्टर के भी मतलब के कपड़े फटे हुए थे। तो जैसे मैं मम्मी उनके पास जाने लगी, उन्होंने मेरे सर में मारा। जब क्रिश्चियन जो है, जो जब मसीह में आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो समाज है उनको बुरी नज़रों से देखते हैं कि इनको इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई, उनका उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया या उनको पैसे मिले। ये मतलब कि ऐसा लोग सोच रखते हैं। और उनको जब लोग ऐसा बोलते थे तो हम यही बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, वो जीवन बदलने आए, आप विश्वास करो। जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसमें से निकलना मतलब कि आसान नहीं था, काफ़ी कंडीशन बिगड़ गई, मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाया गया। और काफ़ी मतलब कि जब मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मतलब कि ऐसा ही था वहाँ पे, मतलब कि डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया गया ताकि मेरा ट्रीटमेंट ना हो। जब मुझे होश आया, वही सारी बातें मेरे माइंड में आ गई एकदम। तो जब मेरे को ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आई, तो मेरे को सिर्फ कैसे बोलेंगे कि कैसे मैं उनको फेस कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी मतलब कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, ख़त्म हो गया था वो। एक ही ख्याल आया कि अब मेरे को लाइफ ख़त्म करनी है, मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली को देखा, मेरे मम्मा ने मेरे को मोटिवेट किया कि उन्होंने बताया बोला कि खुदा ने मतलब कि स्लीप पे अपनी जान दी, और तीसरे दिन हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और उन्होंने इतना कुछ सहा, और तुम सिर्फ एक मतलब कि इस कारण अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। उनकी सलीब को याद कर, खुदावंद को पुकार, वो तुम्हें बल और शक्ति देंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने तभी उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि जब खुदावंद के साथ ये सब चीज़ें हुई, सलीब पर उनको चढ़ाया गया, उन्होंने उनको जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था उनको माफ़ किया हमारे पापों के लिए। और हर इस सिचुएशन से बाहर आने में मेरी खुदा ने मदद सहायता करी, आपने मेरी मदद की, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और खुदावंद उनको और भी ज़्यादा ब्लेस करे और बढ़ाए, और सभी लोगों के रूहों को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करे।